हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जोजिला पास में खड़ा हूँ और मेरे साथ में है मेरे फ्रेंड मोलक सर, आप देख सकते हैं। और ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम आप यहाँ रामबन से यहाँ तक आए हैं। तो ये है जोजिला पास। देखेंगे कि यहाँ पे मतलब टूरिस्ट बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। मैं मोलक सर को इसके पूछूंगा कि ये टूरिस्ट कहाँ से आए हैं और ये जो जोजिला पास है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये आपको बताएंगे। मोलक सर, आप जोजिला पास के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जोजिला पास हमें लेक के साथ कनेक्ट करता है, जो कि पहले यूटी जम्मू एंड कश्मीर और लेह जो अलग अलग यूटी बनी है। पहले जम्मू कश्मीर होता था, अब यूटी बन गई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पास है, यहाँ इसके उधर से ले स्टार्ट हो गया, मतलब स्टेट या यूटी बोल सकते हैं। सर, एक चीज़ आप लेकिन यूनिटी है सर, एक चीज़ में आपको स्टार्ट होगी। एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो पापा हैं वो रिटायर्ड आर्मी कैप्टन है और आपकी जो एजुकेशन भी है तो आउट ऑफ जे एंड के भी है। तो यहाँ पे जो मुझे टूरिस्ट दिख रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो जे एंड के का हूँ। और जे एंड के सिटीजन हम थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखा तो यहाँ पर साउथ इंडियन ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख लेंगे, यहाँ पे देखो कितना क्रेज है लोगों में कि भाई मतलब, और हम लोग एक्सप्लोर खुद अपने लोकल होके हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं यहाँ इस चीज़ को। तो यहाँ साउथ इंडियन बहुत मैक्सिमम नंबर्स में यहाँ पर आए हुए हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि ये मतलब हमारी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में क्या है कि सोनामर्ग का और जो जोजिला पास हुआ था ये सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। आप हिस्ट्री चेक करें, शायद इतनी मुझे हिस्ट्री नॉलेज नहीं है, लेकिन कहीं पढ़ा था मैंने। हाँ सर, ये सिल्क रूट था चाइना का। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखो पूरी वैली बनी है। आप देख रहे हैं जो डायरेक्शन है, ये देखो आप इसके ले स्टार्ट हो गया और वहाँ से जाएंगे तो हार्डली कोई 5 किलोमीटर के तो यूटी रूम टेरिटरी ऑफ लद्दाख स्टार्ट होगी, जो पहले हमारी जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट हुआ था, एक रीजन होता था लद्दाख। जैसे कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीन पार्ट्स में बांटा हुआ था रीजन, तो अभी भी यूटी बन गई है। अब देखने बहुत खूबसूरत जगह है, और मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ, हम इंडियंस चाहते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन है वो चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और एक्सप्लोर करें इस चीज़ को। यहाँ पर बहुत ब्यूटी है, हमारे हाथ में है। बाकी पॉलिटिक्स चलना चाहूंगा आपको, पॉलिटिक्स का मैंने उस एंगल से नहीं लिया। पॉलिटिक्स क्या करती है कि पॉलिटिक्स अपने फायदे के लिए मतलब कोई भी चीज़ यूज़ करती है, लेकिन हमें नेचर की ब्यूटी देखो, लाइफ का लाइफ साइकिल हमारी कितनी है वो तो है सर। जो हमारे ओल्ड एज में होते थे उनकी होती थी कोई 80-100 ईयर्स होती थी, अभी हमारी लाइफ साइकिल कितनी होगी, 50-60। सर, अगर इस हिसाब का एनवायरनमेंट और इतना मतलब ऑक्सीजन, यहाँ तो शायद ऑक्सीजन कम है, लेकिन अगर हमें इस हिसाब का ऑक्सीजन यहाँ कम नहीं है, यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे आपको 15-1 किलोमीटर तो ऑक्सीजन कम लगता है, लेकिन एयर को देखो, एयर जो कि प्योर का प्योर है। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट इंडिया घुमा हुआ है जब आप बचपन में थे, तो रियली आपको जो हमारा ये जम्मू कश्मीर है, खास करके कश्मीर, तो ये बोलते हैं ना जन्नत है, कहीं अगर जन्नत आपको ढूंढनी है, सही बात है, जन्नत है और ये कश्मीरी है। आप इस बात को आप खुद देख रहे हैं, आप इसकी सराउंडिंग देख रहे हैं, आपकी जन्नत है कि तो आप यहाँ आएंगे तो आपको फील होगा जन्नत है। बाकी तो हमें किताबें पढ़ा है जन्नत कहाँ है, जन्नत जो भी है। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, ये थे मेरे फ्रेंड भी और मोलक सर, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस भी करते हैं, और इनको भी ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और मैंने आपको जैसे पहले भी व्लॉग में बताया कि इन्होंने इनकी जो एजुकेशन हुई है तो आउट ऑफ जे एंड के हुई है, उन्होंने साउथ इंडिया और काफ़ी ज़्यादा घुमा हुआ है, तो इसलिए मैंने उनको पूछा। और इनको ये जम्मू और कश्मीर ये तो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, लेकिन ऐसे पूछा मैंने कि जन्नत कहाँ पर है, तो उन्हें बिल्कुल सही बात बताई कि यहाँ पे जो अगर कहीं जन्नत है तो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी, और ख़ास करके जो कश्मीर की वादियाँ हैं बहुत खूबसूरत हैं। और तो फ्रेंड्स, हम आप नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ फिर दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक थैंक यू, शुक्रिया। हमारी अगर आपको व्लॉग्स, हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और हम आगे भी आपके लिए इंट्रोडक्टिव वीडियोज़, और जिससे आपका भी मतलब जिन ऐसी डेस्टिनेशन जैसे मैंने आपको हमने आपको पहले बोला कि जिनको एक्सप्लोर ना किया गया हो, ये तो एक्सप्लोर्ड है, लेकिन नहीं भी जिन जगह पे लोग नहीं जहाँ पहुँचे हों, तो हम वो सारे कुछ आपको अपने व्लॉग्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।